हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स AIIB के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी कैंडिडेट ने कमेंट्स में पूछा था AIIB 2022 के लिए क्वेश्चन कि इज़ देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर AIIB 2022। क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है लगी हुई हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए जो अभी AIIB 17 होने वाला है उस पर। तो देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम एज मेनी टाइम्स एज दे क्वालिफाई फॉर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि AIIB जो एग्ज़ाम है वो आप कितनी बार भी दे सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती इस एग्ज़ाम को देने की। बट हाँ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट है, सबसे पहले आप लोगों को स्टेट बार काउंसिल में जो अपना एनरोलमेंट कराना होता है, वो एनरोलमेंट आप लोगों का सिर्फ 2 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए ऐसा हो गया आपके साथ कि आपने किसी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर आप जो है क्रैक नहीं कर पाए AIIB एग्ज़ाम को, तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों का एक साल तो वेस्ट गया जो आप क्रैक नहीं कर पाए, बट वो वैलिडिटी आप लोगों के 2 ईयर्स तक रहती है। यानी कि जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है आफ्टर 2 ईयर्स स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे आप लोगों की कोई मतलब प्रैक्टिस रुक जाएगी, या फिर हाँ, अगर आप नहीं कराओगे तो हो सकता है वो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप करो या फिर किसी रीज़न से हेल्थ इश्यू से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वैलिडिटी होती है स्टेट बार काउंसिल में जो हम एनरोलमेंट कराते हैं, वो सिर्फ 2 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लिमिट लगी हुई है कि आप लोगों को सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम देना है या 2 बार एग्ज़ाम देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग कितनी बार भी AIIB का एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आप लोगों को जो एनरोलमेंट आपने स्टेट बार काउंसिल में कराया उसको रिन्यूअल कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। और मैंने ये पहले भी बताया था आप लोगों को कि AIIB जो 17 होने वाला है उसकी अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिली है, और इवन जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आपने भी शायद देखा होगा, वो ओपन नहीं हो रही। मैं काफ़ी दिनों से, मतलब कि अराउंड 1 मंथ से उसको ट्राई कर रही हूँ ओपन करने की, बट वो ओपन नहीं हो रही है। उसी के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी पता लग जाता है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप प्लीज़ आप भी चेक कीजिए, करिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आ रही है तो आपको पता लगता रहे। बाकी हम आप लोगों को अपडेट तो करते हैं, बट आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप लोग चेक करें कि आपके अराउंड जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है। और मेन मोटिव यही था कि लिमिट नहीं होती है एग्ज़ाम्स AIIB एग्ज़ाम के, आप कितनी बार भी दे सकते हो। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम एज मैनी टाइम्स एज दे क्वालिफाई फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी, बट हाँ, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स तक होती है, उसके बाद आप लोगों को जो है अपना एनरोलमेंट रिन्यूअल कराना होता है वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो गाइज, होप्स आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।